हमारे साथ तावुन किया है। ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। अस्सलाम वालेकुम, दी ग्वादर पोस्ट के डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं अफरोज मुगल। शामिल करेंगे जिला ग्वादर की अहम तरीन खबरों की हाइलाइट्स। कुंटानी हूड में नाखुदा पर तशद्दुद का वाकया सामने आ गया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के अहलकारों ने एक मरतबा फिर कुंटानी हूड में अपनी स्पीड बोट नाखुदा की स्पीड बोट पर चढ़ाने की कोशिश कर डाली। कुंटानी में मौजूद अफराद ने अहलकारों के इस अमल की वीडियो बना ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह अहलकारों की जानिब से मुतअद्दिद बार टक्कर मारकर बोट डूबने की कोशिश की गई। वीडियो में नाखुदा स्पीड बोट और अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। कोस्ट गार्ड अहलकारों के इस अमल से कोई भी नाखुशगवार वाकया रुनुमा हो सकता है। वाज़ह रहे कि कुंटानी होर में मकामी ताजिर स्पीड बोट्स के जरिए ईरानी पेट्रोलियम मसनुआत के कारोबार से मुंसलिक हैं। पुलिस कत्ल केस और दीगर मुकदमात में हक दो तहरीक के कारकुनान मकामी अदालत में पेश हो गए। मुख्तलिफ मुकदमात में हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच हुसैन वाडिला, तहरीक के कायद रहनुमा और वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी ग्वादर माजिद जौहर समेत दीगर दर्जनों कारकुनान अदालत में पेश हुए। वाइस चेयरमैन माजिद जौहर को अदालत में पेशी के लिए जुडिशियल लॉकअप से पुलिस की सिक्योरिटी में लाया गया। अदालत में पेशी के वक्त हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच हुसैन वाडिला समेत दीगर कारकुनान ने माजिद जौहर का इस्तकबाल नारे लगाकर किया। पेशी के मौके पर माजिद जौहर ने कारकुनान के नाम पैगाम भी रिकॉर्ड किया। पसनी में वजीर आजम पाकिस्तान के ऐलान करदा माहीगीरों के लिए बोट इंजन स्कीम के तहत चेक तकसीम करने का अमल जारी। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी की टीम प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलजार बलोच की सरबराही में पसनी पहुंच गई। पसनी में दो शिफ्ट में 700 माहीगीरों में चेक तकसीम किए गए। GPA की टीम को महकमा फिशरीज और तहसील इंतजामिया पसनी की मुआवनत भी हासिल रही। कोस्टल हाईवे पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वालों की नाक के नीचे कुंटानी होर से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोलियम मसनुआत सप्लाई करने वाले बगैर लाइसेंस याफ्ता गाड़ी ड्राइवर्स की गैर जिम्मेदारान ड्राइविंग उरूज पर पहुंच गई। कोस्टल हाईवे पर रोजाना उन्हीं ड्राइवर्स की गलत ड्राइविंग की वजह से हादसात रुनुमा होना मामूल बन गया। कोस्टल हाईवे पर सफर करने वालों ने कोस्टल हाईवे पुलिस से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। ग्वादर में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की किल्लत पर सियासी पार्टी सर जोड़कर बैठ गई। सियासी पार्टियों का इजलास जमीयते उलमा इस्लाम के जिले अमीर मौलाना अब्दुल हमीद इनकलाबी के सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में पानी और बिजली के बोरान पर बरहमी का इजहार और जिले इंतजामिया की खामोशी पर सवाल उठाए गए। सियासी जमातों के इजलास में जिले इंतजामिया ग्वादर से दो दिन के अंदर पानी और बिजली का बोरान खत्म करने का मुतालबा किया गया। तहरीक जमात इस्लामी की हो या ना हो, लेकिन हक दो तहरीक के लिए जमात इस्लामी एहतजाज जरूर करेगी। जमात इस्लामी बलूचिस्तान की अमीर मौलाना अब्दुल हक हाशमी ने हक दो तहरीक के सरबरा और जमात इस्लामी बलूचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच के रफीक व म्यूनिसिपल कमेटी के असीर व वाइस चेयरमैन माजिद जौहर की गिरफ्तारी और रिहाई के लिए बलूचिस्तान भर में 11 अगस्त को एहतजाजी मुजाहरा करने की अपील कर दी। जमात इस्लामी ग्वादर ने माजिद जौहर की रिहाई के लिए जुम्मा 11 अगस्त को ग्वादर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने की कॉल दे दी है। गड्डानी के रिहायशी शख्स दिल का दौरा पड़ने से जुड्डी पसनी के मकाम पर इंतकाल कर गए। जुमेरात के रोज जुड्डी होड पसनी के मकाम पर याकूब गोट गड्डानी के रिहायशी माहीगीर याकूब लालबख्श वली खान को दिल का दौरा पड़ने पर जानबर ना हो सके।
ग्वादर में जारी बिजली बहरान पर सियासी शख्सियत मीर अरशद कलमती ने तशवीश का इजहार किया। मीर कलमती ने दी ग्वादर पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमसाया मुल्क ईरान की जानिब से बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है, तो नेशनल ग्रिड से ग्वादर समेत मकोरान भर की बिजली की जरूरियात को पूरा किया जाए। मकोरान डिवीजन को जब से नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया है, उसके बाद मकोरान में बिजली की ना खत्म होने वाली लोड शेडिंग ने जन्म लिया। मीर कलमती ने ग्वादर से फौरी तौर पर बिजली बहरान को खत्म करने और नेशनल ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक करने का मुतालबा कर दिया। और डीएफए ग्वादर लेजेंड फुटबॉल चैंपियनशिप ग्वादर का आज पांचवा मैच खेला गया। मैच यंग बलोच फुटबॉल क्लब ग्वादर और जहूर शाह फुटबॉल क्लब ग्वादर के माबेन खेला गया, जो कि यंग बलोच फुटबॉल क्लब ग्वादर ने मैच 6 गोल से जीतकर सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये थी जिला ग्वादर की अब तक की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट।